क्वेश्चन नंबर 7 आपका कुछ इस तरीके से है कि बोल रहा है हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड आयन एंड हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, पहले वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है और दूसरे वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप देखोगे तो Fe(CN6) Fe(CN6) का होल सिक्स है ना, Fe(CN) का होल सिक्स पे 3 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, +3, यानी आयरन जो है जो सेंटर मेटल एटम है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करोगे तो आर्गन 3d क्या होगा आपका, 6 4s0 और 4p0। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, जो डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 4s क्या है खाली है और p क्या है आपका, p सबसेल भी आपका खाली है। तो अगर आप बात करते हो साइनाइड आयन के प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, इन दी प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, साइनाइड आयन के प्रदेश में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आयरन है ना, ये जो D6 कंफिगरेशन है, यहाँ पे साइनाइड आयन के प्रदेश में यहाँ पे पेयरिंग होगा, क्योंकि साइनाइड आयन क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रदेश में पेयरिंग होता है, और पेयरिंग जब होगा तो यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका, इस ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में, ए वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा है ना, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आएगा सेंट्रल मेटल एटम का, इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, साइनाइड लिगेंड के प्रेजेंस में आपका कुछ इस तरीके का कंफिगरेशन आएगा, यहाँ पे 4s और इसका 4 है ना, या इसके 2 ऑर्बिटल और इसका 1 ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे आपका क्या है, D2sp3 आपका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कॉम्प्लेक्स का, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, 1, तो n=1, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा √(nn+2) बोहर मैग्नेट्रॉन, एन की वैल्यू 1 है, 1+2 यानी √3, और √3 की जो वैल्यू होती है वह होती है कितनी, √3 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.73, और जबकि आप इसका देखते हो किसका, Fe H2O का होल 6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका कंफिगरेशन करोगे आर्गन 3d6 4s0 और 4p0। तो ये जो डी सबसेल है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल भाई, 5 ऑर्बिटल है ना, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और छठवां इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से। लेकिन H2O क्या है आपका, H2O एक लिगेंड है, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है यह 3d सीरीज से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ आपका जो आयरन है ना, आयरन किससे ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका 3d सीरीज से बिलोंग करता है और इस पे +3 चार्ज है, तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो H2O होगा वह वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे नो पेयरिंग, और पेयरिंग नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और यहाँ पे आपका फिर जो है इसका
क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो 6 ऑर्बिटल आपको खाली करवाने पड़ेंगे, एक 4s का और 3p का, है ना। और यहाँ पे 4d भी होगा, 4d का आपका 2 यूज कर लेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4, n=4। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √(nn+2) ओवर मैग्नेट्रॉन। n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4+2, ये क्या आने वाला आपका 4 × 6, 4×6=24, √24 यानी 5 के करीब होगा लगभग आपका। (5.92) आएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, हमने तो एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, NiCO4 पजेज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। NiCO4 यहाँ पे जो निकल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। तो अगर निकल देखते हो तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आर्गन 3d(a)4s, है ना, 4s2। अब चूंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वह कैसा है, कार्बोनिल लिगेंड, और कार्बोनिल लिगेंड मेटल कोई भी हो, सेंट्रल मेटल एटम कुछ भी हो, हमेशा कार्बोनिल लिगेंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होगा तो क्या होगा देखते हैं। ये आपका डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे 4p खाली होगा, 4d खाली होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला, 1, 2, 3, 4, 5, और आपका ये 6, 7, 8। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो ए वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ए वाला यहाँ पे चला जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल लिगेंड वह क्या होगा, ऐसे, है ना। एक, है ना, एक एस, एक डी, एक एस और 3p, यानी DsP2। 4 ही मुझे ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसका कंसिडरेशन होगा DsP। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, सॉरी उसके लिए, यहाँ पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, और जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये भी आपका जो डी ऑर्बिटल होगा, डी सबसेल होगा, उस डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल क्या होंगे, फिलअप होंगे, और जब फिलअप होंगे तो एक एस यूज करना पड़ेगा, 3p यूज करना पड़ेगा, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वह sp3 आएगा। और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी आती है, स्क्वायर प्लेनर, इसीलिए टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल का जो ज्योमेट्री आता है वह स्क्वायर क्या आता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इसका देखोगे आप, सॉरी, और इसका देखोगे तो NiCN का होल 4 फिर 2 - 4, यानी टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड आयन। यहाँ पे निकल जो है वह सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसका कंफिगरेशन देखोगे निकल +2 का तो क्या होगा, आर्गन 3d8 4s0, एंड तो क्या होने वाला है भाई आपका, यहाँ पे साइन, चूंकि लिगेंड कैसा है, साइनाइड लिगेंड, और साइनाइड जो लिगेंड है वह कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रदेश में क्या होने वाला होगा ये आपका, यहाँ पे चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है, पेयरिंग करवा देगा तो क्या होगा आपका, ये जो निकल आयन है यहाँ पे आर्गन 3d8 4s0, ये जो डी सबसेल है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 5,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे में फिल अप कर दूंगा, है ना। 4s क्या खाली है, 4p भी क्या होगा आपका खाली होगा, और 4d भी आपका खाली होगा। तो यहाँ पे अगर पेयरिंग हो भी गया, ए वाला ऑर्बिटल, ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो इसमें चला जाएगा, तो ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ये वाला खाली हो जाएगा। एक डी, एक है ना, एक डी एक एस और दो पी, है ना। एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल। इस यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन बनेगा वह बनेगा डी एस पी टू, और डी एस पी टू से क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका क्या है, देखते हैं। क्रोम हेक्सा अमीन, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन इस पैरामैग्नेटिक और टेट्रासाइनाइडो निकल निकलेट सेकेंड आयन इस डायमैग्नेटिक वाई। तो देखो क्रोमियम हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन, यहाँ पे क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3, और इसका जो कंफिग्रेशन आएगा आर्गन 3d3 4s0। तो अगर आप इस तरीके से करते हो कंफिग्रेशन इसका, है ना, तो d6 सॉरी d3, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से इस तरीके से भर दूंगा, तो एक दो डी ऑर्बिटल खाली होगा, एक एस ऑर्बिटल खाली होगा, और फिर आपका अगला 4p भी खाली होगा, p सबसेल का 3 ऑर्बिटल। तो इसका कंफिग्रेशन होगा dsp3। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 3। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और जबकि इसका देखोगे तो यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, तो इसका होगा आर्गन 3d8, है ना। और यहाँ पे चूंकि साइनाइड आयन कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड ले गए, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, और जब पेयरिंग होगा तो यहाँ पे इसका देखोगे निकल सेकेंड आयन का जो कंफिग्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, उसमें हर ऑर्बिटल में कहोगे हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक आपका जो डी ऑर्बिटल होगा वो खाली होगा। यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इसी तरीके से इसका देखोगे तो ये जो हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड आयन इज डायमैग्नेटिक, वाइल हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट सेकेंड आयन इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक वाइल। तो देखो एफ ई सी एन सिक्स पे 4 निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका d6 यहाँ पे देखोगे इसका वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में d6 आएगा, 4s क्या होगा खाली होगा, 4p भी खाली होगा, 4d भी खाली होगा। यहाँ पे देखोगे अगर आप, ठीक है, d6 1 2 3 4 5, है ना, और ये छठवां इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि लिगेंड कैसा है, साइनाइड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसा करेगा, पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग होगा तो ए वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। इसका जो कंफिग्रेशन बनेगा आयरन का, आयरन सेकेंड आयरन का इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, साइनाइड आयन, इसका कंफिग्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो d2 क्या बनेगा कंफिग्रेशन, d2sp3, d2sp3, है ना। और यहां पे क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं, तो एक ऐसा होगा आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। और जबकि इसका देखोगे
किसका इसका देखोगे ए वाला जो फ्लोराइड आपका लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के बीच में पेयरिंग नहीं होगा। अब पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पे अगर आप इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से अगर इसका कंफिगरेशन करोगे तो चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे रहता है और AG ऊपर रहता है, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। इसका कंफिगरेशन क्या होगा, D6, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग, तो 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, AG में चला जाएगा, और फिर छठवां इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे T2G में चला जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर अगर आप 11 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स है सी ओ कोबाल्ट हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब आपका सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करे और सेंट्रल मेटल एटम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो अमोनिया जो होता है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह अगर बिहेव करेगा तो यहाँ पे अच्छा कोबाल्ट प्लस 3 का कंफिगरेशन क्या होगा, आर्गन 3D6 4S0 4P0। यहाँ पे जो डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल इस तरीके से और इस तरीके से है ना, तो 1 2 3 4 5 और एक छठ। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो कोबाल्ट 3 आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया वो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगा, अमोनिया तो इस पेयरिंग करवा देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और इसका जो कंफिगरेशन आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। इसके 2 d ऑर्बिटल खाली हो गए, एक s ऑर्बिटल खाली तो ऑलरेडी खाली है, और 3 p ऑर्बिटल, यानी इसका जो कंफिगरेशन आएगा वह क्या आएगा, d2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, d2sp3 है ना, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। और ज्योमेट्री कैसी होगी, d2sp3 से भाई ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट μ = 0 आएगा। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स देखोगे क्या, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड आयन, इसमें देखोगे क्रोमियम जो है क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऐसे केस में चूंकि साइनाइड जो होता है ऐसा लिगेंड है जो कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर जुड़ जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को कैसा बना देता है, लुईस स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये आपका साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग होगा। अब D3 इसका कंफिगरेशन क्या आएगा, आर्गन 3D3 4S0 4P भी क्या होगा, खाली होगा। अब डी सबसे 5 ऑर्बिटल, ऐसे 5 ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ किस तरीके से। अब पेयरिंग करवा के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि इसे क्या चाहिए, 2 d ऑर्बिटल चाहिए, एक s ऑर्बिटल चाहिए और 3 p ऑर्बिटल चाहिए है ना, पेयरिंग करवा के फायदा नहीं है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका कंफिगरेशन जाएगा d2sp3, d2sp3 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, तो 3 × 10^15 लगभग आपका 3.96 आएगा बोहर मैग्नेट्रॉन। ज्योमेट्री कैसे आएगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी नंबर कितना है, 6 है, ज्योमेट्री कैसे आएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल।
तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, जल्दी कर लेते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वीगली पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। +3 मतलब इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में D6 होगा, और D6 यानी जो डी सबसेल होगा आपका है ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। लेकिन लिगेंड कैसा है? साइनाइड लिगेंड, और साइनाइड लिगेंड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा है ना। यहाँ पे क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है? नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो, सॉरी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे हैं, तो एक ऐसा होगा डायमैग्नेटिक नेचर का, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। और इस वाले केस में देखोगे तो आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। इसका अच्छा +3 है ना, तो यहाँ पे D5 हो जाएगा भाई, D5 होगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो D6 आएगा, और यहाँ पर भी पेयरिंग होगा, लेकिन पेयरिंग होने के होने पर क्या होगा, यहाँ पे जो आपका सारे इलेक्ट्रॉन होंगे है ना, वो आपके पेयर्ड होंगे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, T2sp3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कैसा होगा आपका डायमैग्नेटिक, और ये वाला जो पहले था वो पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था।